हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एट विला पॉइंट। साथ ही बच्चों, आप इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे नए चैनल कहानी चालीसा को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पर जाके वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 4 मैथ्स की वर्कशीट है क्लास 6 के लिए इंग्लिश मीडियम में। बच्चों यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखिएगा। सब्जेक्ट टीचर का नाम आपको पता है, नहीं तो क्लास टीचर का नाम। चलिए ट्राई एंड थिंक खेलते हैं इसको। यहाँ पर आपके सामने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर हैं। सर्कल में इनको स्ट्रेट लाइन में लगाना है। इस तरह से 3 नंबर एक लाइन में लग रहे हैं, 1 2 3, हर जगह देखिए। और ऐड करेंगे तो सेम टोटल आना चाहिए, ध्यान देना है सेम टोटल। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं हम यहाँ पर 1 लिखते हैं और यहाँ पे 6, तो हम देख रहे हैं इनका टोटल 7 आएगा। सबसे बड़े नंबर को हम बीच में रख लेते हैं, सबसे बड़े नंबर को बीच में रख लेंगे। बाकी नंबरों को ट्राई करेंगे कि क्या 7 आ रहा है बाकी नंबर से। तो हमने 1 और 6 को यूज किया, टोटल किया तो 7 आया, 1 + 6 = 7 आया, है ना। चलिए अब हमारे पास बचता है 2। मान लीजिए हम यहाँ 2 लिखते हैं तो 2 और क्या जोड़ेंगे, 7 आएगा, 5। ऑफकोर्स 2 + 5 = 7 होता है। अब हमारे पास नंबर बचते हैं 2, और वो कौन से नंबर है, 3 और 4। क्या 3 और 4 से भी 7 आता है, यस। तो यानी ये हमारा जो खेल था सॉल्व हो गया है, पहली सॉल्व हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्ले विद बैलून्स। बैलून्स के साथ खेलते हैं। इफ अ नंबर इन वन ऑफ द बैलून इज इंक्लूडेड, कह रहा है कि अ नंबर इन वन ऑफ द बैलून इज इंक्लूडेड इन द आंसर्स टू द 3 प्रॉब्लम। 3 प्रॉब्लम आपके सामने दे रखी है, आपको बताना है कि कौन कौन से बैलून उड़ जाएंगे, फ्लाई हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, ठीक है। तो वो बैलून उड़ेंगे जो इन पहेलियों के आंसर होंगे, और जो बच जाएगा बैलून वो कौन सा होगा। तो पहला क्वेश्चन, बैलून विद मल्टीपल ऑफ 9, जो 9 के टेबल में आते हैं वो बैलून उड़ेंगे। अब देखते हैं कौन कौन से हैं 9 के टेबल में। हम देख रहे हैं 18 है, 18 को काट दिया हमने, यहाँ लिख लिया। और फिर 18 के बाद आप आगे देखिए, 45 आता है, 9 के टेबल में ही आएगा, ठीक है। 54 भी 9 के टेबल में आता है, इवन 63 उसको भी काट देते हैं, वो भी उड़ जाएगा, ठीक है। और 99 भी 9 के टेबल में आता है, और कोई नंबर 9 के टेबल में नहीं आता है। तो ये मल्टीपल ऑफ 9 हो रहे हैं। नाउ स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर जो भी बैलून होंगे जिन पे स्क्वायर नंबर लिखा होगा, जो खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 2 × 2 = 4 होता है, तो 4 इज स्क्वायर नंबर, तो वो बैलून भी उड़ेंगे। तो देखिए 4 है, 4 इज अ स्क्वायर नंबर, ठीक है। नेक्स्ट 64, 8 × 8 होता है, ये भी स्क्वायर नंबर है, ये भी उड़ जाएगा। 25 भी उड़ जाएगा, क्योंकि 5 × 5 = 25 होता है, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर नंबर। 16 इज ऑल्सो स्क्वायर नंबर, तो ये सभी बैलून उड़ जाएंगे, कोई और स्क्वायर नंबर है नहीं है। नेक्स्ट पहेली है, नेक्स्ट इसका है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जो किसी के टेबल में नहीं आते, ओनली 1 और खुद के टेबल में आते हैं। ये सिंपल सी लाइन आप याद रखेंगे तो आपको समझ में आएगा, 3 इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि 3 सिर्फ 3 के टेबल में या 1 के टेबल में आता है। नाउ 13 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, इसके कोई फैक्टर नहीं होंगे, है ना, फैक्टर भी नहीं होने चाहिए। 7 इज अ प्राइम नंबर एंड 17 इज अ प्राइम नंबर, तो ये सभी बैलून्स उड़ जाएंगे जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, वो कह रहा है फ्लाई अवे हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है आगे, कौन सा बैलून बचा, तो यस ऑफ कोर्स जो हमारा ये वाला बैलून है, एरो लगा देते हैं, 26 नंबर जो कि बच चुका है, किसी भी कैटेगरी में नहीं आता है, तो इसलिए जो बैलून हमारा बचेगा वो 26 होगा। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, वर्कशीट जो हमारी इस वीडियो के माध्यम से हमने दिखाई है। सो एक प्राइम नंबर का एग्जाम्पल दीजिएगा, जो यहाँ आए हैं उनको छोड़ के कोई भी एक प्राइम नंबर का एग्जाम्पल आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।